देश में कोरोना संक्रमण की दर अब 50% रह गई है, तो देश अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, अनलॉक का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का अनुभव यह कहता है कि पूरी तरह से अनलॉक करना कहीं फिर से उल्टा ना पड़ जाए। कोरोना के केस जैसे जैसे कम होने लगे हैं, वैसे वैसे देश में अनलॉक की ओर कदम बढ़ने लगे हैं। अनलॉक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि अनलॉक के लिए जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के कई देशों में अनलॉक की चर्चा तो हुई, लेकिन टीकाकरण के बावजूद कोरोना के केस बढ़ गए, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा है। चीन के ग्वांगझू के नए केस मिलने के बाद कई इलाकों में लॉकडाउन हुआ। मलेशिया में केस बढ़ने के बाद दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। सिंगापुर में भी केस बढ़ने के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया गया। ब्रिटेन में 21 मई से अनलॉक होना है, लेकिन उससे पहले ही सवाल उठ गए हैं। ब्रिटेन की ज्वाइंट कमेटी ऑन वैक्सीनेशन के डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर एंथनी हॉर्डन ने चेतावनी जारी कर दी है। प्रोफेसर एंथनी का कहना है कि सरकार को अनलॉक से पहले गंभीरता से सोचना चाहिए। Locking down on the 21st of June, we all ought to remain cautious, particularly those unvaccinated individuals. Professor Anthony ये चिंता तब जाहिर कर रहे हैं जब ब्रिटेन की एक बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है। ब्रिटेन के 58% लोगों को वैक्सीन की एक डोज और 35% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। भारत में करीब 15% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और सिर्फ 3% लोगों को दूसरी डोज लगी है। दिल्ली में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 31 मई से फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने को छूट दी गई है, लेकिन पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए जानकारों की माने तो इस तरह के अनलॉक का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है, दिल्ली में बाय डेफिनेशन लार्ज स्केल प्रैक्टिकली है ही नहीं। दिल्ली में सारा एमएसएमई सेक्टर है और एमएसएमई को सब कच्चे माल बाजार से लेने होते हैं और सब तरह के इनपुट्स उनको बाजार से मिलते हैं। अगर मार्केट बंद रहेंगी तो वो चला नहीं पाएंगे। तो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा देख लेना चाहिए था कि ये कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा, इन्होंने कर दिया शॉप्स नहीं खोल ली। अब ये जो बिजनेस में जितनी शॉप्स और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अब जब तक शॉप्स नहीं खुलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फैक्ट्रियां कैसे चल पाएंगी। उधर मध्य प्रदेश में भी 1 जून से अनलॉक शुरू होने वाला है, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। धीरे धीरे अनलॉक कैसे करेंगे, ये जवाबदारी और जिम्मेदारी कोरोना के संक्रमण को रोकने की, नियंत्रित करने की और खत्म करने की अब जनता ने अपने कंधों पर उठाई है। आज जनता फैसला करेगी और सरकार उसी फैसले को लागू करेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या वाकई लोग अनलॉक में नियमों का पालन कर पाएंगे? क्योंकि रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आती हैं जिनमें लॉकडाउन होने के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं करते। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखे जो हमने पीछे की थी तो फिर केसेस बढ़ेंगे। पहले भी हमने गलतियां की थी कि हमारे लोग जो मास्क है वो ठीक से नहीं डाल रहे थे, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आप शादी ब्याह पे जहाँ कैपिंग भी थी फिर भी बहुत सारे लोग शुरू हो गए थे जाना। सो अगर अब इस बार लॉकडाउन खुले और अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो ये गलती हमारी होगी और फिर विल बी रिस्पॉन्सिबल के और वेव आ गई। तो डॉक्टर संदीप नायर की बात बिल्कुल सच है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी समझ लीजिए कि कोरोना की तीसरी लहर और ज्यादा तबाही मचाएगी। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अनलॉक राहत है या आफत? अनलॉक से पहले कौन से एहतियात बरतने चाहिए? आखिर क्या हो अनलॉक का मॉडल? और क्या देश में अनलॉक के लिए भारत मेडिकल मापदंड पूरे कर रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के नामी डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। आपका मैं परिचय उनसे करवा दूं।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप नायर, दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एम्स दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर नीरज निश्चल, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑनरेरी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अनिल गोयल, उनका भी हम रुख करेंगे, सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले एमसी मिश्रा साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं, और जरा ये बताइए अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए मेरा मत तो यही है जो आप कह रहे हैं और मैं तो इसको लगातार कह रहा हूं आपके माध्यम से भी और दूसरे चैनल्स के माध्यम से भी, ये जल्दबाजी है। अभी हम संभले हैं थोड़ा सा, कहीं कोविड कहीं गया नहीं है, 2 लाख से जस्ट कम केसेस आ रहे हैं प्रतिदिन, तो इसको कैसे हम कह दें कि ये स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। हमारी मृत्यु दर अभी भी चल रही है, सबको पता है। इसके अलावा आप देखिए भारत में डिस्टेंसिंग का कोई प्रश्न नहीं है, हम जो मर्जी यहाँ चैनल पे बैठ के कहते रहे, कोई डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं है हमारे यहाँ। मास्क का एनफोर्समेंट आप करा नहीं सकते हर जगह पे, तो ना एनफोर्समेंट वाले हो सकते हैं ना स्वयं बिहेवियर है, ये जो एडल्ट बिहेवियर है बहुत मुश्किल होता है इसको बदलना। अभी हम संभले हैं, मुश्किल से 4 हफ्ते पहले तो लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी जी। तो इसमें और ज्यादातर सर्विसेज किसी ना किसी रूप में चल रही हैं, अगर उसके चलते हुए हम अगर नीचे जा रहे हैं तो वही प्रक्रिया रखनी चाहिए। ये पॉपुलिस्ट मेजर लेके कि हम कह रहे हैं लॉकडाउन हटा दो लॉकडाउन हटा दो, आप ये कर सकते हैं इसमें बड़ा मेजर्ड तरीके से। एक तो पहले अपना देखिए संक्रमण की दर कहाँ पे पहुंची और पहले कहाँ थी, पिछली वेव में कैसे थी, इस पर थोड़ा सा विवेचना इसको चाहिए जी। एकदम ये मैं भी मानता हूँ और सभी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई परमानेंट विकल्प नहीं है, लॉकडाउन एक ये टेम्परेरी मेजर है, लेकिन इससे हमें लाभ मिला है, संक्रमण की दर कम हुई है, लोगों के हॉस्पिटल बेड्स आपके अब उपलब्ध हो गए हैं, ऑक्सीजन की क्राइसिस समाप्त हो गई है, दवाइयों की क्राइसिस समाप्त हो गई है। एकदम से अगर आप करेंगे, अभी 1000 के आसपास तो केसेस अभी आ ही रहे हैं दिल्ली में, तो 1000 को अगर आप ऐसे मानते हैं कि 10 केस आ रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। अब सरकार का इसमें सरकार को ही व्यू लेना है कि भाई क्या पॉपुलिस्ट मेजर ठीक है, या अभी चूंकि लोगों में एक मोड आ गया है लॉकडाउन का, उसको और हफ्ता 10 दिन करके और स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ कर लें, तब तक हमारी वैक्सीन की डोजेस भी आ जाएंगी, तो साथ साथ आप वैक्सीनेशन को भी बढ़ाएंगे, वो भी वो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय जी। डॉक्टर साहब टीकाकरण की तो गति है। हाँ, आप बहुत सही राय दे रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे साथ चूंकि देश के बड़े डॉक्टर्स का ये पूरा पैनल है तो सभी से इसी पर पहले मैं टिप्पणी चाहूंगा। डॉक्टर संदीप नायर, आपसे भी यही सवाल कि हम कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए एक बात तो तय है कि लॉकडाउन जब भी हुए हमें फायदा हुआ है, यानी कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाए हैं जो आगे विपरीत आए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, पर ये बिल्कुल लास्ट ईयर भी देखा गया था कि लॉकडाउन ने ही काफी स्थिति संभाली थी और हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाए थे कि जो प्रॉब्लम्स आई थी। अब ये लास्ट टाइम भी ये हुआ, जिस तरह के केसेस बढ़ गए थे तो लॉकडाउन ने ही कम किए, कहां 25,000-27,000 केसेस पर डे दिल्ली में ही आ रहे थे और कहां 1,000 से लेस। नाउ जल्दबाजी है कि नहीं है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरे को यह है कि चाहे आज करें चाहे 10 दिन बाद करें, क्या हमको अकल आ गई है, क्या हमको तहजीब आ गई है, क्या हम अब तो सुधरेंगे? आप बाहर देखिए क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, अभी भी क्या ठीक तरह से मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है जब भी लॉकडाउन खोल रहे चाहे आज खोल रहे, कुछ इनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस तरह से उनकी गलतियों से सारा देश भुगत रहा है, बल्कि पूरा विश्व भुगत रहा है कुछ लोगों की गलतियों से, तो अगर हम उनको सुधारें तो ज्यादा जरूरी है जब भी लॉकडाउन खोले। अभी भी काफी हद तक डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कम हुए लेकिन जीरो नहीं हुआ है, पूरा हमने प्रिपेयर किया है अपने आप को, मगर फिर भी अभी थोड़े दिन के बाद भी अगर खोले, लेकिन जब तक हमें बिल्कुल नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन कब भी खोले ये फिर बढ़ जाएंगे। तो प्लीज मैं सबसे विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज इस टाइम अब काफी हम भुगत चुके हैं, हर एक फैमिली में अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, प्लीज अब सुधर जाइए, अब बिल्कुल मत डील दीजिए, और डोंट लेट योर गार्ड्स डाउन, प्लीज अपने आप को स्ट्रिक्ट रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए आप जो लोग जो बात कह रहे हैं उसका एक निचोड़ ये भी है
कि अभी जो हालात हैं यानी केस जो कम आ रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, लॉकडाउन, ना कि अस्पतालों की सुधरी हुई व्यवस्था या फिर तमाम इंतजाम। ऐसे में डॉक्टर नीरज निश्चल, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, अभी ये फैसला, अनलॉक का जो फैसला लिया जा रहा है, ये राहत है या आफत है आपकी नजर में, क्या है ये? यही बात कही है और दूसरी बात लेकिन समय के साथ हमें लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा, ये बंद नहीं रह सकता है। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच में एक हम मैसेज फिर से रीइंफोर्स करें कि ये लॉकडाउन जो है एक फोर्स वे है आपके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कराने का। तो ये जो फोर्स वे है उसके बजाय आपके जो रूटीन लाइफ में ये बिहेवियर होना चाहिए ताकि इन सिचुएशन से बचा जा सके। और जो जो लॉकडाउन है, मे बी अब जो स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ा सा माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए कि अगर केसेस किसी एरिया में अगर बढ़ रहे हैं तो इमिडिएटली उस एरिया को लॉकडाउन में लाया जाए, रेदर देन की वेट किया जाए कि हर जगह की बढ़ जाए केस और उसके बाद एक ब्लैंकेट लॉकडाउन लगाया जाए। तो एक डेफिनेटिव ब्लैक एंड व्हाइट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। क्या बेस्ट होगा कि हम लोगों के जो अफकोर्स काफी लोग इसमें जो है इकोनॉमिकली काफी अफेक्टेड है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लॉकडाउन से सब कुछ ठीक ही है, तो ये दोनों चीज का बैलेंस करते हुए हमें कैसे देखना है उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वेस्ट में क्या हो रहा है, ईस्ट में क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने देश के लिए अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रांग पॉइंट, अपने वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ब्लैंकेट कॉपी करने से कुछ नहीं होना है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल गोयल भी हमारे साथ हैं आईएमए से। डॉक्टर साहब देखिए, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, कहीं ऐसा ना हो कि और खराब हो जाए, लगातार लॉकडाउन की वजह से वेंटिलेटर पर चली जाए। तो उसके लिए भी तो ये जरूरी है ना कि अनलॉक धीरे धीरे करें, या अभी वो वक्त नहीं है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये बोलना होगा कि लॉकडाउन क्यों लगाया जाता है और लॉकडाउन कब कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाने का पर्पज है कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट कर सके। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो लोगों को अपनाना है, वो बिल्कुल घर में रहेंगे वो तो होगा ही, लेकिन असली पर्पज है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी ऑगमेंट कर दें। जब दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया तब ऑक्सीजन की समस्या थी, जब दिल्ली में बेड्स नहीं मिल रहे थे तो सिर्फ, लेकिन उसके बाद भी 15-20 दिन 25 दिन के बाद बेड मिलना और ऑक्सीजन की समस्या शुरू का बेहतर हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीक था वो पीक जब निकला उसके बाद ही वो सहूलियत हुई, नहीं तो हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी दिल्ली की चरमरा गई थी। ये साइंस है। दूसरा, दिल्ली में सीओ सर्वे किया गया जनवरी में, वो 51% था। आपने कभी क्या सोचा कि एकदम बहुत पीक गया और सडनली वो एकदम डिक्लाइन हुआ? इसका मतलब है शायद ससेप्टेबल पॉपुलेशन कोरोना की कम हो गई है, जो कि इन्फेक्शन हो सकता है। आई टॉक कम्युनिटी मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर से मैंने 2-3 लोगों से बात किया कि अनलॉक कब करना चाहिए। उनका कहना अभी आप सीरो सर्वे करिए, दिल्ली का सीरो सर्वे, सैंपलिंग सर्वे करिए, जिस जोन में सीरो सर्वे आप पाएंगे हो सकता 60% हो 70% हो, तो वो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का एक इंडिकेटर है। यू हैव टू बी वेरी साइंटिफिक कि आप किस बेसिस पे अनलॉक करेंगे, किस बेसिस पे लॉक करेंगे। जब दिल्ली की व्यवस्था चरमरा गई थी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तब अनलॉकडाउन हुआ है, पीक उसके बाद भी आया। इसलिए अनलॉक डाउन के लिए मेरा कहना है कि सीरो सर्वे करना चाहिए। सडनली जो केस डाउन हुए इसका मतलब ससेप्टेबल पॉपुलेशन, ये प्रिज्यूम किया जाता है, नहीं रही है दिल्ली में, और आगे आने वाले केसेस और भी कम होंगे। मुझे लगता है अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। जीविका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देश की अर्थव्यवस्था को देखना भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट अनलॉकिंग। इस तरह से अब दिल्ली में अनलॉकिंग शुरू हो जाना चाहिए, जी, ये मेरा कहना है। जी मतलब आपका ये मानना है कि अब अनलॉक की तरफ जो हम जा रहे हैं वो अब वक्त है कि हम उस तरफ जाएं। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, मतलब एक बात मैं ये मान सकता हूँ, आप तमाम लोग जो कह रहे हैं उसका निचोड़ ये निकाला जा सकता है कि किसी सामाजिक आधार पर यह फैसला ना लिया जाए, सोशल तरीके से ना लिया जाए, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हो, उसके आधार पर फैसले लिए जाए अनलॉक के, सर्वे वगैरह करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है, सीरो सर्वे कर लीजिए, उसमें कितना समय लगता है, एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते के लिए आपने बढ़ाया ही है अभी उसका, बल्कि इनको अभी पिछले हफ्ते से शुरू करना चाहिए था। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा स्लो थॉट प्रोसेस चलती है, जितना तेजी से फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए ये व्यवस्थाएं वो नहीं होती हैं, सरकार में ऑब्जेक्टिविटी कम होती है,
अब एक साल सवा साल का हमारा एक्सपीरियंस है, उससे हमने क्या सीखा है। ये जब मार्च में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे तो ये क्या इसका पैटर्न था, फिर अप्रैल में हम लोग कहते रहे शुरू से आपके माध्यम से भी लॉकडाउन करिए, लॉकडाउन करिए, लॉकडाउन करिए। कोई भी सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, लॉकडाउन का नाम लेने को तैयार नहीं था कोई भी, क्योंकि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन की इतनी आलोचना से इतने सरकारें घबराई हुई थी कि कोई लॉकडाउन का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन महाराष्ट्र सरकार को भी करना पड़ा, केरला में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, यूपी में भी करना ही पड़ा। और जो अब थोड़ी सी हमारे को राहत दिख रही है आज, जो सब लोग थोड़ा खुश हो रहे हैं इस बात से कि संक्रमण कम हो गया है, अस्पतालों पर प्रेशर खत्म हो गया है, ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो गई है, दवाइयों की जो किल्लत है अदर देन एम्फोटेरिसिन बी जो फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है वो, तो उसके अलावा बाकी, और अभी फंगल वाला अभी नीचे नहीं हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जल्दबाजी है, क्योंकि अभी अप्रैल के आखिर में तो लॉकडाउन शुरू ही हुआ था। तो पिछले वर्ष अगर आप देखिए, पिछले वर्ष के तुलना में हमारी प्रिपेयर्डनेस बेटर थी इस बार, कि जिन कोविड हॉस्पिटल्स को डीनोटिफाई किया गया था 1 फरवरी को, उनको फिर से रीएक्टिवेट करने में लेकिन समय लगा, यूपी में भी समय लगा, दिल्ली में भी समय लगा फिर से उसी अवस्था में लौटने में। तो इसमें दो तीन बातें जो करने की हैं, एक तो अभी आप जो भी हमने प्रिपेयरनेस की है उसको खत्म नहीं करना है, वो बराबर बनी रहनी चाहिए। उसके अलावा आप थोड़ा सा एक हफ्ता और रुक जाएंगे तो आईसीयूज में भी प्रेशर आपका कम हो जाएगा, जो चल रहे हैं दो हफ्ते से रोगी एडमिट है, जो संक्रमण जिनमें ज्यादा है, जो गंभीर है, उनका जो भी आउटकम होना है वो हो जाएगा अगले हफ्ते 10 दिन में। और फिर तब तक बीच में, जैसे डॉक्टर अनिल गोयल ने बिल्कुल ठीक कहा, एक सीरो सर्वे आप शुरू कर दीजिए कल से, उसमें क्या है, और सीरो सर्वे आप 4 दिन में कर लीजिए, और थोड़ा ज्यादा लोगों पे करिए, कम लोगों पे मत करिए कि आपने 15,000 पे कर लिया, इसको करिए 50,000 लोगों पे, और तब आपको अंदाज लगेगा कि क्या हुआ है। और हमारे पास व्यवस्था है इस समय, सीरो सर्वे करिए, जीनोमिक सिक्वेंसिंग करिए, आपके 1,000 केस आ रहे हैं, कम से कम 1,000 में से आप 250 लोगों की जीनोमिक सिक्वेंसिंग तो करिए रोज, कि ये क्या है, कौन सा वाला है, ये क्या म्यूटेंट है, ये यूके का म्यूटेंट है, भारत का म्यूटेंट है, कौन सा है, डबल म्यूटेंट है, क्या है ये। और फिर वो डेटा आप दीजिए हमारे वैक्सीन वालों को, जिससे वो वैक्सीन को ट्वीक कर सके इसके लिए। डॉक्टर मिश्रा, छोटे में एक जवाब आपसे इसी पे चाहूंगा, जो आप सलाह दे रहे हैं, तो कहीं सरकार चूक तो नहीं कर रही है कि बिना ये सब सर्वे किए हुए जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं हम लोग? नहीं, मेरा मत तो बिल्कुल साफ है कि ये थोड़ा जल्दबाजी है अभी लॉकडाउन को, लेकिन अब उनको देखना है भाई, सरकार को अपना हिसाब देखना होता है। हम लोग तो कह ही सकते हैं बैठ के, क्योंकि हमको सारी अवस्था का, तो जो भी हिसाब देखा जाए डॉक्टर साहब, उसमें जनता सबसे ऊपर हो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके के हालात देश में हो गए थे। तो सरकार को ही फिर भुगतना है, सरकार को ही ब्लेम होगा फिर, अगर 1,000 की जगह 3,000 हो। जी डॉक्टर संदीप नायर, मेरे पास वो तमाम लिस्ट है और आपकी जानकारी में भी ये चीज होगी, किस तरीके से चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, इन जगहों पर कोरोना की वापसी होने से अब वहां पर एक तरीके से भय का माहौल भी बन चुका है। सवाल ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से हमने देखा कि देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो गाड़ी है वो पटरी पर आती हुई दिख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि डिरेल हो जाए। डॉक्टर मिश्रा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन एट द सेम टाइम ये लॉकडाउन कभी तो खोलना है, कब खोल रहे हैं, कितना सीरो सर्वे है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पहले लोगों ने बताया, क्योंकि हमें पता तो चले क्या हो रहा है, कौन सा जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं हो रही, कम से कम उनकी तो करें जिनको दोबारा से कोविड हुआ है या जिनको वैक्सीन लगने के बाद कोविड हुआ है। आई थिंक इन लोगों की जरूरत देखे कहीं उनका डिफरेंट स्ट्रेन तो नहीं आ रही, या कहीं वो वैक्सीन उसको कवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। दूसरी बात देखिए, लॉकडाउन जहां भी हुआ है वो दोबारा भी हुआ है, जैसे यूके में भी हुआ है, हम सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है, और उसी में काफी हद तक केसेस को वो वापिस ले आए, ला पाए हैं। इसी तरह जब से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ है तो केसेस में कमी आई है, हॉस्पिटल फिर से सांस लेना शुरू हो गए हैं, अदरवाइज हॉस्पिटल के ऊपर इतनी एकदम से प्रेशर हो जाता है बेड बढ़ाने का, देन वो सब चीजें नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, अब फिर से हमारे पास सब हॉस्पिटल्स के पास फिर से सब कुछ आ गया है, फिर से प्रिपेयर्ड हो गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहेंगे कि फिर से किसी तरह हम क्या चाहेंगे केस एक भी ना हो, चाहे हमारी दवाइयां सारी बेकार चली जाए लेकिन पेशेंट ना हो तभी हमारे को फायदा है। मगर इस चीज के लिए सिर्फ हमारे को सरकार को ही
सरकार का नहीं है, एक एक हमारे सिटीजन का भी एक जिम्मेवारी है कि अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के रखे। ये सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क जरूर लगाएं, और जब भी आपका टाइम आए तो आप वैक्सीन भी जरूर लगाएं, क्योंकि हमको अगर कोविड को लड़ना है और उसको हराना है तो हम सबको मिलकर चलना है। तो ये चाहे लॉकडाउन आज खुल रहा है, चाहे वो 15 दिन बाद खुल रहा है, चाहे 10 दिन बाद खुल रहा है, हम सबको तैयारी करनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ मेरे को तैयारी नहीं करनी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, आम जनता की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आगे भी रखते रहें, मास्क लगाते रहें। निश्चिंत होने का समय तो खैर आया ही नहीं है अभी, लेकिन डॉक्टर नीरज निश्चल, पिछली बार हमने देखा लॉकडाउन लंबे वक्त तक चला था, करीब 68 दिन तक, और इस बार जल्दबाजी में कहीं जो हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं उसका कोई खामियाजा तो हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। आप लोग का क्या आकलन है? आप दिल्ली देश के सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं, व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, देश की जो इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था है। देखिए, पिछले साल और इस साल को हम कंपेयर नहीं कर सकते। पिछले साल ये बीमारी बिल्कुल एक अननोन एंटिटी थी, हमें नहीं पता था कि हम सेफ है या नहीं है, हम कैसे अपने आप को सेफ रखें। लेकिन नुकसान तो इस बार ज्यादा हुआ ना डॉक्टर साहब? नहीं, तो वही बात मैं करने जा रहा हूँ। तो लास्ट ईयर जो सभी के मन में डर था, लोगों के मन में डर था, तो उसके चलते लोग काफी सावधान थे, लेकिन जैसे ही केसेस जनवरी के समय में कम हो गए, लोगों में इस बीमारी के प्रति जो डर था वो खत्म हो गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि कोई डर ही नहीं रहा था और उनको लगा कि बीमारी चली गई। वैक्सीन लेने में हेजिटेंसी दिखाई लोगों ने, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि एकमात्र यही तरीका है जिससे हम हर तरह के वायरस से बच सकते हैं, चाहे वो पुराना स्ट्रेन हो, म्यूटेंट स्ट्रेन हो, यूके स्ट्रेन हो, ब्राजील स्ट्रेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, और ये जो धारणा जो लोगों के मन में उस समय नहीं था, होपफुली इसके बाद उन्हें सीख मिलेगा कि ये जो है हम लापरवाही करेंगे तो हम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे, और इस बार चीजों को जल्दी कंट्रोल हम कर पाए, क्योंकि पिछली बार से हमने थोड़ी बहुत सीख ली थी कि किस वे में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन पहले से बेहतर है, हेल्थ केयर वर्कर्स पहले से बेहतर प्रिपेयर्ड थे, तो इसलिए जो ये वेव अगर लास्ट टाइम आया होता तो इससे कहीं ज्यादा मोर्टेलिटी और ज्यादा डैमेज हुआ होता, जो इस बार नहीं हुआ। और जैसे बाहर के कंट्रीज में भी आप देख रहे हैं, लॉकडाउन के बाद अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो वो लॉकडाउन की गलती नहीं है, लोग जो है वो अपना जो बिहेवियर है उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, वैसे ही जो वैकेशन पे जा रहे हैं, पब्स में इकट्ठे हो जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, तो अगर ऐसा करते रहेंगे तो अब हमेशा हम लॉकडाउन के अंदर तो रह नहीं सकते हैं। सही बात है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा एक रियल टाइम मॉनिटरिंग हो कि किसी भी एरिया में अगर केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं उसमें फटाफट से लॉकडाउन लगाया जाए, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हैं इस पर्टिकुलर कोविड-19 के हिसाब से उनको अभी डिसमेंटल नहीं किया जाए, उन्हें हमेशा अलर्ट पे रखा जाए कि कभी भी जरूरत पड़ सकती जी। ABP News आपको रखे आगे।